उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने INDIA गठबंधन से PM चेहरे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस गठबंधन में 6 दलों के नेताओं के प्रधानमंत्री पद के लिए नाम सामने आ चुके हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हैं, जो अब कभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख और दिखा सकते हैं। मौर्य ने आगे कहा कि इन दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने और दिखाने में खुशी मिल रही है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आएंगे तो उस समय यह सब क्या बोलेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि तीसरी बार भी PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि घमंडीय गठबंधन के 6 दलों से PM पद के नाम सामने आ चुके हैं, अभी 22 दलों से PM पद के नाम आना बाकी है। यह विपक्षी दलों का गठबंधन सब कांग्रेस का खेल है, क्योंकि वह राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में सामने लाना चाहती है, लेकिन पहले भी विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सुनिश्चित था, अब और भी सुनिश्चित है। अभी तक यह जो घमंडीय गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, 22 दलों के अभी आना बाकी है। 6 दलों के जो नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, अब कभी प्रधानमंत्री बनने का कम से कम मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने और दिखाने का इन दलों के नेता अपना काम कर ले रहे हैं, उसी से उनको खुशी हो रही होगी, इस बात से खुश हो ले। लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आएगा उस समय ये सब क्या बोलेंगे, क्योंकि जनता का जो मन है, हम लोग भी जनता के बीच में, जनता के बीच में नहीं है, यह जनता से दूर है, और जनता के बीच में जो रहता है उसकी नब्ज समझ में आती है, और हम लोग नब्ज जो टटोल पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, 2014 से बड़ी विजय हमें 2019 में मिली थी, और 2019 से बड़ी विजय हमें 2024 में मिलेगी, और ऐसा कमल खिलेगा, ऐसी खुशहाली आएगी, ऐसा सुशासन और विकास का मतलब चित्र दिखाई देगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये तथाकथित भ्रष्टाचारी राजनीति के जो परिवार हैं, उन परिवारों के बेटे बेटियों भाई भतीजों का भला चाहते हो तो उन दलों को वोट दीजिए, और अगर देश के 140 करोड़ लोगों के परिवारों का भला चाहते हो तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो ये तथाकथित रूप से कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, वह श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने लाना चाहते हैं, और कांग्रेस का ये सब खेला है। लेकिन कांग्रेस अब अस्त होता हुआ सूर्य है, कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का अभी कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है, और विकसित भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो पहले भी सुनिश्चित था, लेकिन अब तो और सुनिश्चित है।